नमस्कार, आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। पशुपालक भाई, आज मैं आपको पशु में ये थाइलोरियसिस बीमारी के बारे में जानकारी दूंगा। पशुपालक भाई, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, डेली का डेली ये गर्मी बढ़ते जा रहा है और इसी गर्मी के सीजन में ये टिक्स चिचड़ी का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा होता है। आपका पशु में अगर बहुत ज़्यादा टिक्स है तो उस पशु में ये थाइलोरियसिस बीमारी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये थाइलोरियसिस बीमारी थाइलेरिया एनुलेटा नामक एक प्रोटोजोआ परजीवी से होता है और ये गर्मी के सीजन में ही बहुत ज़्यादा होता है। ये गाय बंक्स में, बछड़े और बछिया में होता है और गाय में भी पाया जाता है। पशु जब स्ट्रेस में चले जाते हैं, जैसे एक जगह से दूसरे जगह पे आप लेके जा रहे हैं, या तो पशु को बेचते हैं या खरीद के लेके आते हैं, तो उस टाइम वो जब आपका फार्म पे आएगा तो कुछ दिन बाद उसको स्ट्रेस में जब रहेगा तब तो उसी टाइम ये बीमारी होता है। ये थाइलेरिया एनुलेटा प्रोटोजोआ परजीवी पशु का खून में रहते हैं, लेकिन ये खून में उसका संख्या में वृद्धि नहीं होता है। वो खून का RBC, WBC, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट में बीजाणु जो है पाया जाता है। आपका फार्म में अगर टिक्स है, चिचड़ी है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका पशु में गर्मी का सीजन में ये वाला बीमारी होगा ही होगा। तो पशुपालक भाई से हम यही गुजारिश करेंगे कि आप अपना पशु को रोज नहलाइए और उसका शरीर में अगर टिक्स होगा तो वो टिक्स आप जो है किसी प्रकार से उसको जो है खत्म कीजिए, नहीं तो आपका पशु में अगर ये थाइलेरियसिस बीमारी होगा तो आपका पशु का अगर सही समय पे अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो पशु जो है मरने का भी खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो पशुपालक भाई से यही हमारा गुजारिश है, ऊपर से गर्मी का सीजन है, गर्मी में पशु का हालत बहुत खराब होते जा रहा है और अगर टिक्स होगा और यह थाइलोरियसिस बीमारी होगा, पशु का मरने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होगा। इसका जो सा लक्षण है, तो सबसे पहले लक्षण होगा उस पशु का जो शरीर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होगा, 105 के ऊपर होगा, उसको बहुत ज़्यादा बुखार होगा। आप बुखार का गोली देंगे फिर बुखार कम नहीं होता है। तो जब हमारा पास ये ऐसे पशु आते हैं, सबसे पहले उसके हम टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर 105 डिग्री के ऊपर होगा। जैसे इस पशु में भी आप देखेंगे 105 डिग्री के ऊपर इसका जो है टेम्परेचर होगा। उसके बाद दूसरा है उस पशु का प्री स्केपुलर लिम्फ नोड है, तो वो प्री स्केपुलर लिम्फ नोड में ये थाइलेरिया एनुलेटा ये प्रोटोजोआ परजीवी आके उसमें मल्टीप्लिकेशन करता है और इसी वजह से वो वाला लिम्फ नोड, जैसे ये देखिए ये वाला लिम्फ नोड ने जो है बहुत ज़्यादा सूजन आ गया, सोइलिंग हो गया, मतलब यहाँ पे वो परजीवी जो है मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। तो ये एकदम कॉन्फर्म डायग्नोसिस है, अगर आपका पशु में टेम्परेचर 105 डिग्री के ऊपर है और ये वाला लिम्फ नोड में सूजन आया हुआ है तो ये थाइलेरिया का कॉन्फर्म सिम्टोम है। और तीसरा सिम्टोम है उसका, अगर ऐसे करके आँख देखेंगे, आँख एकदम सफ़ेद होगा, मतलब इसका हीमोग्लोबिन एकदम कम है, ये भी जो है एक कॉन्फर्म जो है उसका डायग्नोसिस। और चौथा हो गया, उसके मुंह से ऐसे करके लाड़ा गिरेगा। पशु का यूरिन नॉर्मल होगा या तो डार्क येलो होगा, पशु का यूरिन रेड कलर या तो कॉफी कलर नहीं हो सकता है, तो पशु का यूरिन नॉर्मल कलर होगा। गोबर होगा, वो गोबर में भी ब्लड आ सकता है, तो ब्लडी डायरिया भी हो सकता है। और पशु धीरे धीरे खाना पीना छोड़ देगा और अगर सही टाइम पे अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो पशु मर जाएगा। तो ये सिम्टोम से तो कॉन्फर्म हो गया, लेकिन लैब का रिपोर्ट से हमें कॉन्फर्म करना है, इसलिए इसका हम ऐसे करके ब्लड लेंगे, ब्लड लेके उसको हम लेबोरेटरी में भेज देंगे। तो लेबोरेटरी से अगर थाइलेरिया पॉजिटिव करके रिपोर्ट आएगा तो उसका हम ट्रीटमेंट चालू करेंगे। तो ये जो सा ब्लड है ये बहुत जल्दी भेजना है और 24 घंटे के अंदर जो है इसका रिपोर्ट आएगा तभी इसका ट्रीटमेंट जो है कॉन्फर्म ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन वो जो सा सिम्टोम मैंने बताया, अगर इसका लिम्फ नोड स्वेलिंग है,
उसका बुखार अगर 105 डिग्री से ऊपर है डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइलेरिया जो है ये जो इन्फेक्टेड पशु का ब्लड में रहता है और टिक जब उस पशु का खून चूसता है तो उसका सलाइवा से वो प्रोटोजोआ जो है टिक्स में आता है, और वो टिक जब कोई हेल्दी पशु का खून चूसता है तो उसी सलाइवा से वो टिक्स का सलाइवा से वो फाइलेरिया एनुलेटा जो सब प्रोटोजोआ है वो हेल्दी एनिमल में जाता है और उसको भी इन्फेक्टेड करता है। लेबोरेटरी से इस पशु का ब्लड रिपोर्ट आया है, तो इसका ब्लड रिपोर्ट अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो इसका हीमोग्लोबिन पीसीबी ये नॉर्मल से बहुत कम है, इसका लिम्फोसाइट जो है नॉर्मल से ज़्यादा है, और इसका अगर बायोकेमिस्ट्री भी देखेंगे नॉर्मल से फर्क है, और आखिर में आप अगर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है फाइलेरिया पॉजिटिव, मतलब इस पशु का ब्लड में भी फाइलेरिया का जार्म मिला है, तो ये फाइलेरिया पॉजिटिव है, सिम्टोम से भी ये पशु फाइलेरिया पॉजिटिव है। पशु में थाइलोरियासिस बीमारी का बहुत असरदार एक ड्रग है जो मार्केट में बुपर भेक्वेन के नाम पे अवेलेबल है, ये जुबियन या ब्यूटालेक्स के नाम पे आपको मार्केट में मिलेगा, ये 20 ml या तो फिर 30 ml का पैकिंग में आएगा, ये 1 ml में बुपर भेक्वेन 50 mg और सोर्बिटन मोनोएलियट ये 100 mg आता है, ये बुपर भेक्वेन सेकेंड जनरेशन हाइड्रोक्सी नेप्थाक्विनोन है, और ये ड्रग्स ये थाइलेरिया एनुलेटा प्रोटोजोआ का माइट्रोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इफेक्ट करता है और वो थाइलेरिया एनुलेटा को वो ख़त्म कर देता है। ये जुबियन या ब्यूटालेक्स ये बहुत महंगा ड्रग है, इसको अब कोई रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर के देख रेख में ही ये जुबियन इंजेक्शन लगाए, ये जुबियन इंजेक्शन ये डीप इंट्रामास्कुलर उसके नेक रीजन में लगेगा, और ये सिंगल शॉट होगा, ये सिंगल डोज एक दिन लगेगा, और इसका जो सा डोज है पशु का बॉडी वेट उसको पहले आपको मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूरेट बॉडी वेट में एक्यूरेट जो है आपको डोज लगाना पड़ेगा तभी तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो 20 किलो बॉडी वेट में 1 ml लगेगा या तो फिर 1 kg बॉडी वेट में 2.5 mg लगेगा। आपका पशु का बॉडी वेट अगर 400 किलो है 20 ml लगेगा, तो एक साइड में 10 ml लगेगा और दूसरा साइड में 10 ml लगेगा। और आपका पशु में ये थाइलोरियासिस बीमारी अगर बहुत ज़्यादा है तो इसको आप 48 से 72 घंटा बाद रिपीट कर सकते हैं। आपका पशु में बुखार 105 डिग्री के ऊपर था, इसलिए पशु का टेम्परेचर पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। पशु को आप ताज़ा पानी से नहला दीजिए, उससे आपका 1-2 डिग्री उसका बुखार कम हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल सेलाइन में आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये आप आईवी दीजिए, और मेलोनेक्स प्लस ये इंजेक्शन आप इंट्रामास्कुलर दीजिए। पशु का हीमोग्लोबिन बहुत कम है, इसीलिए पशु को फेरिटास का बोलास आप कम से कम 5 दिन दीजिए, और पशु चारा कम खा रहा है इसीलिए उसको रूमेरिक का इंजेक्शन दीजिए, और उसका लिम्फ नोड में सोइलिंग है सूजन है इसीलिए मेग्लुडाइन का इंजेक्शन लगाइए। तो आप किसी रजिस्टर्ड वेटनरियन के देख रेख में ये जुबियन इंजेक्शन और उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट अगर करेंगे 1-2 दिन में पशु आपका रिकवर हो जाएगा। और अगर सही समय पे ये जुबियन या तो ब्यूटालेक्स का इंजेक्शन नहीं लगेगा तो आपका पशु मर जाएगा। गर्मी का सीजन में आपका गाय या बछड़ा या बछिया अगर उसका बुखार 105 डिग्री के ऊपर है और उसका प्री स्केपुलर लिम्फ नोड में अगर स्वेलिंग आया है तो आपका पशु थाइलेरिया हो चुका है। तो पशु को आप जितना जल्दी ये रामबान इंजेक्शन जुबियन या ब्यूटालेक्स का इंजेक्शन एक सिंगल शॉट लगाइए, आपका पशु सेफ हो जाएगा। पशु को टिक कंट्रोल कीजिए, रक्सा वैक्सीन 3 साल में 1 बार लगाइए। धन्यवाद।